हाँ जी बाबा, आज मुरली में बाबा ने कहा कि तुम चित्रों की समझानी दो, जीवन कहानी बताओ तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ जाएगा। दो चित्र बताए ना, जिन जो दो चित्रों में चैतन्य चित्रों में शिव बाप प्रवेश करते हैं, जगत पिता और जगदम्बा, जो ही भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनकी जीवन कहानी बताओ, कुछ करके गए हैं या नहीं गए हैं, कुछ कर्तव्य किया है या नहीं किया है, या कि बिंदु की जीवन कहानी बताएंगे, बिंदु की बताएंगे या बिंदु बाप ने, आत्माओं के बाप ने जिनमें प्रवेश करके सारी दुनिया का उलट फेर किया, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाया, उनके कार्य का, उनके धंधे का विस्तार बताएंगे। जीवन कहानी जीव की होती है या आत्मा की होती है? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जीव कहा जाता है, जीवित। आत्मा परम धाम में है तो जैसे जड़ है, कुछ नहीं कर सकती। तो जो जीव है, उन जीवधारियों में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं कौन? माता पिता। उनकी जीवन कहानी का बताओ, उनकी बायोग्राफी को बताओ। उनमें भी एक की जीवन कहानी को बताओ, और सबसे जास्ती चक्कर काटने वाली सुई कौन सी है? है कौन सी सुई है? सेकंड बाई सेकंड। बाबा कहते हैं तुम जितने ईश्वरीय सेवा के चक्कर लगाओगे उतने बड़े चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो क्या सब एक जैसे चक्कर लगाते हैं? हैं? फिर नंबर बार लगाते हैं? हैं? तो उनमें ऐसी सुई कौन सी है हल्की फुल्की, बोझ महसूस नहीं करती है? जिंदगी का बोझ महसूस करते हैं ना लोग, तो जिंदगी का बोझ महसूस नहीं करती है, हल्की फुल्की है और बहुत चक्कर लगाती है ईश्वरीय सेवा की। कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, राम बाप को कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की सुई कौन सी है? है कौन सी? हाँ मिनट वाली तो है। अब बेहद में कौन सी हुई है? हाँ जी लक्ष्मी।
बेसिक में भी बहुत सेवा करती है, और जब एडवांस में आती है तो एडवांस में भी बहुत सेवा करती है। वो रानी मक्खी है जिसके लिए बोला विजय माला का आवाहन करो, तो माला में सारे मणकों का आवाहन करेंगे या एक का आवाहन करने से सब पीछे पीछे आ जाएंगे? मुरली में क्या बोला और प्रैक्टिकल में भी क्या होता है? मुरली में बोला एक रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो वो मिनट मिनट की हो गई, और घंटे वाली सुई कौन सी है जो 12 घंटे दिन करती है और 12 घंटे रात करती है? गाया हुआ है शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कभी मुरली में बोला प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, प्रजापिता ब्रह्मा की रात? बोला क्यों है? हाँ, उसकी रात होने का तो कोई सवाल ही नहीं। सूर्य के लिए कहेंगे कि वो रात के अंधकार में डूब जाता है, कहेंगे है? नहीं कहेंगे। तो वो तो ज्ञान सूर्य है, अज्ञान अंधकार में डूबने की बात ही नहीं। कह देते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य को विकारों का ग्रहण लगा, परंतु क्या सूर्य के ऊपर विकारों का परछाया पड़ सकता है? चंद्र ग्रहण कह सकते हैं क्या? चंद्रमा और सूर्य, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का जो परछाया है वो पृथ्वी उससे रोशनी को ढक लेती है। पृथ्वी क्या करती है? हैं? सूर्य की रोशनी को ढक लेती है और उसका परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, वो अंधेरा दिखाई पड़ता है। या तो अमावस्या हो जाती है या तो चंद्रमा पूरा ही अंधेरे में ढक जाता है। तो चंद्र ग्रहण होता है माना ब्रह्मा की आत्मा विकारों के ग्रहण में आती है। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है, जिसके लिए गीता में भी कहा है कि मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले किसको ज्ञान देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। तो वो ज्ञान सूर्य है, कभी भी अंधेरे में नहीं आता। भले इस सृष्टि पर 5000 वर्ष भी पार्ट बजाता है तो भी हर जन्म भाई जन्म हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाएगा, हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, ग्रहण लगता है तो ब्रह्मा की रात, ग्रहण उतरता है तो ब्रह्मा का दिन। और बाबा आत्मा अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जैसे भोग लगाते हैं या पितरों को बुलाया जाता है तो वो आत्माएं ना कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी हैं, लेकिन वो उस शरीर में भी हैं और इस शरीर में भी उनको बुलाया जाता है, तो एक ही आत्मा दो जगह कैसे काम करती है? छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 8 महीने, 1 साल का, और वो बच्चा कभी हंसता है
कभी अचानक रोता है, जब हंसता है या रोता है उसके सामने कोई भी चित्र दूसरा रख दो कुछ असर नहीं पड़ता। रोता है तो रोता है, हंसता है तो हंसता है। कहाँ की स्मृति में हंसता है? पूर्व जन्म की स्मृति में हंसता है, पूर्व जन्म की स्मृति में रोता है। वो सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा जब तक उसका स्थूल शरीर पावरफुल नहीं हो जाता है तब तक सूक्ष्म शरीर अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में मंडराता है। जैसे मनुष्य जब सो जाता है तो स्वप्नावस्था में मनुष्य की आत्मा मन मन बुद्धि संसार में इधर उधर घूमती है या नहीं घूमती है? तो क्या शरीर छोड़ देती है? है मुर्दा हो जाता है? नहीं, शरीर में भी रहती है लेकिन सूक्ष्म शरीर से बाहर की दुनिया में पार्ट बजाती है। ऐसे ही है, दो जगह पार्ट नहीं बजाते हैं पितर। और सात साल की सच्चखंड तुम्हें झूठ नहीं बोलना। सच्चखंड की जब स्थापना करने वाले तुम हो तो तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? और बाबा लौकिक परिवार में तो मतलब तो बाबा ने कहा गांठ बांध के कह दिया कि तुम लौकिक परिवार में ही जिंदगी भर नाक रगड़ते रहो? बाबा ने कहा क्या? नहीं कहा। वरदान दे दिया? नहीं। बाबा ने तो वरदान नहीं दे दिया। किस बात का? कि सारी जिंदगी तुम लौकिक परिवार में ही नाक रगड़ते रहो। अरे जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी बच्चा जब बड़ा होता है तो ठोंगा मार मार कर उसको उड़ा देते हैं। भागो, अपने पैरों खड़े हो जा करके अपने पैरों उड़ो, हमारे से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। अब ये मनुष्य जानवरों से भी जास्ती बदतर हो गया, महाक्रोधी, महाकामी, महालोभी, उपासनाएँ पूरी नहीं होती हैं। उपासनाओं की पूर्ति में परिवार से चिपक के रह जाते हैं। बाबा ने तो नहीं बोला है कहीं कि हंस बगुले इकट्ठे रहो। बाबा तो ये कहते हैं हंस बगुले इकट्ठे रह न सकें, कितनी भी कोशिश कर लो, एड़ी से चोटी की सारी ताकत लगा दो, एक दिन ऐसा आएगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि जबरियन छोड़ना पड़ेगा। ये हंस बगुले इकट्ठे रह ही नहीं सकेंगे। अब बताओ ईश्वरीय सेवा के लिए साथ दूर छोड़ना पड़ता है ना? ईश्वरीय सेवा करनी हो तो उसके लिए थोड़ा जैसे नहीं, कोई भी वो धन संपत्ति हो, लौकिक हो, और वो कहीं दूसरी जगह खर्चने जाते हो तो हम उसे झूठ बोलते कि नहीं हम वहाँ ही खर्च रह गए आप, और हम उसको ईश्वरीय सेवा के लिए खर्चेंगे तो हम उसको ईश्वरीय सेवा में खर्चेंगे। तो युक्ति हुई ना, ये कोई झूठ थोड़ी है। गाय जा रही है और पीछे से कसाई आ रहा है और वो पूछता है गाय किस ओर गई, और हम जानते हैं किस ओर गई, फिर भी हम उल्टा रास्ता बता देते हैं, इस ओर नहीं गई, इधर गई है। तो इसमें कसाई का कल्याण है या नहीं है, गाय का कल्याण है या नहीं है, और हमारा भी कल्याण है या नहीं है? तो जो कार्य करने से, जो वाचा बोलने से कल्याण ही कल्याण है, वो सत्य है
या अकल्याण किसी का होता है वो सत्य है। और तीन सुइयां जो बताई समय की, इसमें जो घंटे वाली सुई है ये ब्रह्मा लगा देखा ब्रह्मा है या जगदम्बा है? जगदम्बा या महाकाली बनती है तो उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? तो वो एक हैं दोनों मिलकर के या अलग अलग है? जगदम्बा और ब्रह्मा ये दोनों का पार्ट मिलकर के एक माँ का पार्ट हो जाता है, बड़ी से बड़ी माँ, सारे जगत की माँ, या नहीं हो जाता है? तिरंगे में जगदम्बा का चित्र है, तिरंगे झंडे में जगदम्बा का चित्र दिया गया है। अच्छा, जगदम्बा का क्या चित्र दिया है, किसने दिया है? जगदम्बा का चित्र झंडे में दिया है वो किसने दिया है? झंडे में तीन पुरियां दिखाई गई, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। इन तीन पुरियों में तीन सूक्ष्म शरीरधारी जो इस सृष्टि में स्थूल शरीर से भी पार्ट बजाते हैं अपने टाइम पर, जिन तीन शरीरधारियों ने आपस में संस्कार मिला करके एक होने का जब पार्ट बजाया है तभी विश्व विजय हो जाती है। शरीर कहा है, हाँ, देह अभिमानी कहा है, पार्ट प्ले करने वाली आत्मा, ठीक है, ब्रह्मा की है। जैसे शिव है वो तो आत्मा है, हीरा है, डब्बे में प्रवेश करता है तो उसे डब्बे को भी आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? अरे बनाता है या नहीं बनाता है? आत्माभिमानी बना देता है। ऐसे ही ब्रह्मा वाली आत्मा भी, उसमें सहन शक्ति है इसलिए ब्रह्मा है। और जगदम्बा में है सहन शक्ति नहीं है, फिर उसमें प्रवेश करता है। तो आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? बना देता है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। वही ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, लक्ष्मी बन जाती है, महालक्ष्मी। तो दोनों एक हो गए कि अलग अलग हुए? जब तक संस्कार टकराते हैं तब तक अलग अलग, और संस्कार मिलकर के एक हो गए तो एक हो गए। तीनों सुइयों के आपस में मिलने का समय जो 12 बजे का बताया गया है, वो दिन के 12 हैं या रात के 12 हैं? दिन में भी 12 बजते हैं और रात में भी 12 बजते हैं। दिन में जब तीनों सुइयां इकट्ठी होती हैं तो ब्रह्मा का दिन, बड़े से बड़ा दिन, घोर सो जरा। और रात्रि के 12 बजे जब तीनों सुइयां मिलती हैं तो घोर अंधेरा। उस घोर अंधेरे के एक सेकंड बीतते ही महाशिवरात्रि हो जाती है। दिन के 12 बजे या रात के 12? दोनों में, ब्रह्मा दिन में भी और ब्रह्मा रात में भी। जब जगदम्बा ने ये फैसला कर लिया कि मुझे जगत पिता का सहयोगी बनना है, और बनी भी प्रैक्टिकल में, तो ब्रह्मा का दिन था या रात थी? दिन था।
उसे बाप दिखाई पड़ता था या नहीं दिखाई पड़ता था? निश्चय बुद्धि थी बाप में या निश्चय बुद्धि थी? फिर क्या हुआ? फिर अंधेरे में आया या नहीं? हैं? बाप को पहचाना या भूल गई? भूल गई। अज्ञान अंधेरे में आ गई। तो रात्रि में भी 12 बजते हैं और दिन में भी 12 बजते हैं। और जैसे सरदारों की कहते हैं ना, है? दोपहर का 12 है वो, कब बजेगा? वो तब बजता है जब राम का जन्म होता है। राम का जन्म भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे मनाते हैं या दिन के 12 बजे मनाते हैं? दिन के 12 बजे मनाते हैं। माना राम वाली आत्मा जब पूरी जोश से सूर्य की तरह दोपहर के 12 बजे की तीखी रोशनी देती है, तब उनकी बुद्धि टन-टन आती है। 17-18 का टाइम नहीं तो नहीं टन-टन आती है। दूसरे धर्म वाले जो और धर्म वाले हैं, उनके बीच में सिख धर्म भी तो है, स्वधर्म है या परधर्म है? हैं? स्वधर्म है। परधर्मियों के बीच में है या स्वधर्मी के बीच में है? परधर्मियों के बीच में है। तो वो सिख धर्म, वो आत्माएं तब जगेंगी जब राम वाली आत्मा पूरम पूर ज्ञान सूर्य का पाठ बजाएगी, तीखी तीखी बातें बोलेगी। उनका जन्म ही ऐसे टाइम पर होता है, इसलिए सबसे जास्ती वाणी मंदिर में चलती है, गुरुद्वारे में चलती है, गिरजाघर में चलती है, या बौद्धियों के पाउड़ में चलती है, गुरुद्वारे में वाणी हर समय चलती है। वो वाणी में बड़े तीखे होते हैं। कौन है? सिख लोग। बाबा, सूक्ष्म शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है? सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा कोई कमजोर होती है और कोई पावरफुल होती है। जो पावरफुल आत्मा है सूक्ष्म शरीर धारी, वो कमजोर पार्टधारी को अभिभूत कर सकती है या नहीं? कंट्रोल कर सकती है या नहीं? है? कर सकती है। जिसे सुना होगा, अरे इसके अंदर तो 8 आत्माएं, 6 आत्माएं, 2 आत्माएं। वैसे भी रुद्रमाला के मणके जो होते हैं, रुद्राक्ष, उनमें अनेक मुख होते हैं या नहीं होते हैं? किसकी यादगार है? उन्हीं अनेक मुख से बोलने वालों की यादगार है जो अपनी अलग अलग तरह की बातें सुनाते हैं। जो बाबा ने बोला है भूत प्रेत की प्रवेशता है, इसकी निशानी क्या है पक्की? अगर कोई भूत प्रवेश है किसी में तो उसकी पक्की निशानी है वो दो बातें करेगा। क्या? आज कहेगा चलो ये तन मन धन सब तुम्हारा, ये घर तुम्हारा। क्या कहेगा? मैं किराए पर रह लूंगा। फिर क्या हो जाता? बदल जाता है, उसी घड़ी बदल जाता है। तो 2 सोल बोल रही है या 1 सोल बोल रही है? 2 बोलती है। और बाबा, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाप प्रत्यक्ष होंगे, तो फिर वो सारे कौन सा बाप? यही राम बाप। राम बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ? नहीं,
अभी तक तुमको प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, हो गए तो क्यों कहते होगी? नहीं बाबा, जो है मतलब 17-18 मतलब जब से माला बनना शुरू हो जाएगी तब सारी दुनिया में राम बाप नहीं प्रत्यक्ष होगा, वो तो प्रत्यक्ष हो गया होने वालों को, जिन्होंने पहचाना उन्होंने पहचाना। किसने पहचान दी? अरे किसी ने पहचान दी या नहीं दी? अरे शिव बाप ने पहचान दी, गीता में भी कहा है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये शरीर जो है इदम, इदम माने ये है, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, जिसे गीता में कहा है धर्म क्षेत्र और क्या कहा है कर्म क्षेत्र, ये यज्ञ कुंड है, यज्ञ का अधिष्ठाता है, परिचय दिया, ये क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? ये क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को ज्ञा माने ज्ञानने वाला कोई होगा या नहीं होगा? अरे शिव बाप हो गया क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने शिव बाबा, और शिव बाबा जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है उस मुकर्र रथ का जो जानकार है वो असली ज्ञानी है। ये माला बनना शुरू होगी तब बोला गया ना बाप के ऊपर कलंक लगेंगे, सब अनिश्चय बुद्धि होंगे। अभी नहीं कलंक लगते हैं? नहीं जब वो होगा फिर सारी दुनिया में कलंक लगेंगे। अभी सारी दुनिया में कलंक नहीं लग रहे हैं? अभी तो बाबा कुछ लोग बाबा बोला ना कि रुद्रमाला की मरते भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अष्टदेव भी अनिश्चय बुद्धि होंगे। अभी अनिश्चय बुद्धि नहीं हो रहे हैं? अभी तो बाबा सहयोगी है के तो अभी सहयोगी है, मना मन से तन से धन से समय से संपर्कियों से संबंधियों से सब तरह से सहयोगी है, आपको पता चल गया है सहयोगी, सब प्रकार से सहयोगी हो लेकिन मन में संकल्प जरूर आ जाता है, विकल्प जरूर आ जाता है जो अनिश्चय बुद्धि बना देता है, सबको बनाता है या कोई को बनाता है कोई को नहीं बनाता है, है? सब के अंदर ये बात एक दो चार सेकंड के लिए भी भले क्यों न हो ये अंदर से आता है, पता नहीं ये बाप है भगवान है या शैतान है, तो सहयोगी हुए, वातावरण बनाने वाले हुए या बिगाड़ने वाले हुए, बिगड़ गया। बाबा प्रत्यक्षता के बाद तो निश्चय निश्चय का कोई चक्कर नहीं रहेगा। किसके लिए? जो सरकार बाप है 500 करोड़ के लिए, वो तो नंबर बार होगा, लेकिन जो सूर्यवंशी ग्रुप है, सूर्यवंशी ग्रुप 9 लाख के लिए, ये समय तो ऐसा नूंदा होगा जिसमें निश्चय निश्चय नहीं रहेगा, एक समय तो ऐसा मुंडा होगा जिसमें आत्मा को निश्चय निश्चय का चक्कर नहीं आएगा। हाँ आएगा, वो टाइम वो ही होगा जिन 9 लाख में सारी दुनिया समाई हुई है, इस सारी सृष्टि के मूल बीज कितने हैं? 9 लाख, उन 9 लाख में सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य समाये हुए हैं, पाठधारी समय हुए हैं संस्कार स्वभाव से, वो दुनिया कब खलास होगी? वो विरोधाभास विनाश होने तक चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। एक डिस्कशन में कहा है कि 40 से 50 वर्ष
40 वर्ष कह रहे हैं रुद्र माला के लिए और अगले 10 वर्ष जो हैं वो कह रहे हैं 40 वर्ष रुद्रमाला के लिए नहीं गए हैं। गलत फहमी पैदा करने से गड़बड़ हो जाता है। रुद्रमाला भी तो लंबी चौड़ी है, जैसे विजयमाला है, तो सारे ही रुद्रमाला के मण के 40 वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे, सतोप्रधान बन जावेंगे या उनका भी नंबर लगेगा है? अरे एक के बाद एक होंगे या एक साथ हो जाएंगे? टाइम लगेगा ना। तुम बच्चे किसके लिए बोला? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगेगा? 40 से 50 वर्ष लगेंगे। तो कितना गैप दे दिया? 10 साल का गैप दे दिया रुद्रमाला के मणकों के लिए। बाद में फिर दूसरों का नंबर लगता है। जिन बच्चों से बात करते हैं इनसे बात करते हैं? इनके फॉलोअर से बात करते हैं? नहीं करते। तो उनके लिए नहीं बोला है 40 से 50 वर्ष। एक आत्मा के लिए होगा ना? है? पहले एक आत्मा से शुरू होगा ना? हाँ, नंबरवार ही तो होंगे। अष्टदेव भी 40 वर्ष में तैयार हो गए हैं। तो ठीक है, स्थापना होगी, छोटा परिवार होगा या बड़ा परिवार होगा? छोटा परिवार होगा। छोटे से छोटा परिवार 8-10-12 लोगों का होता है। तो अष्टदेव पूरे सहयोगी सदाकाल के बन जाएंगे। और जो लोग आइटम बम रिकॉर्डिंग निमित्त बनेंगे उनको बाबा की पहचान होगी? सारी दुनिया को पहचान होगी या नहीं होगी? और पहचाने बगैर घर वापस जा सकेंगे क्या? हैं? नहीं जा सकेंगे। जाड़ के चित्र में दिखाया है, ऊपर लाल लाइट का गोला शिवलिंग, नीचे शंकर का चित्र रखा है, चारों ओर आत्माएं जा रही हैं ऊपर। तो सारी आत्माओं को खींच करके नीचे से ऊपर तक पहुंचाना, ये ड्यूटी किसकी सौंपी गई? एक की ड्यूटी सौंपी गई है, जिसके लिए मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को, इनको नहीं उनको नहीं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या स्थूल देह की मूर्ति उठा के यहाँ रख लेंगे? है आत्मा को रख लेंगे? हैं? अरे दृष्टि की पावर से उन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, ऐसी दृष्टि की दृष्टि देंगे जो तुम कितना भी अपन को रोकना चाहें फिर भी रोक नहीं सकेंगे, खींचे चले जाएंगे। प्रकृति पति पिता है। हाँ, प्रकृति हमारी माँ है। तो इतने कष्ट जो झेलने पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो हादसे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो हादसे हो रहे हैं इस समय जो अथाह कष्ट हैं, तो क्या माता पिता को अपने बच्चों पे तरस आना चाहिए या नहीं? अरे प्रकृति माता नहीं है, प्रकृति में पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी में भूकंप आदि आते हैं तो पृथ्वी को पहले ज़्यादा दुख सहन करना पड़ता है
या बच्चों को? जड़ है बाबा, जड़ है, उसकी चैतन्य रूप नहीं है। अरे अभी तक जड़ ही समझे बैठे हैं। ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे, ये पृथ्वी, ये सागर है, ये जो जड़ दिखाई पड़ते हैं, ये जड़ के आधार पर दुनिया का परिवर्तन होता है या चैतन्य आत्माएं हैं इनकी मानिंद, उनके आधार पर परिवर्तन होता है, चैतन्य के आधार पर परिवर्तन होता है, है? उनके अंदर क्षमता है सहन करने की। हाँ जी, जबकि बच्चे जो हैं वो नहीं सहन कर सकते इतने बड़े हादसों को। हाँ, माता पिता को तरसाना चाहिए या नहीं आना चाहिए? माता पिता की बात माने वो माता पिता के बच्चे, या जो माँ बाप की बात माने ही नहीं वो दूसरे बाप का बच्चा है या बाप का बच्चा है? असुरों में मसर भी जो है पिस जाते हैं, कहते हैं कहावत है कि असुरों में मसर भी पिस जाते हैं। असुरों में मसर, मसर, मसर कहावत है, असुरों में मसर भी पिस जाते हैं। अच्छा, गेहूं में कौन, जैसे गेहूं में कौन, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हाँ हाँ, तो दुनिया में ढेर के ढेर पापी हैं, उन पापियों के बीच में रहने से देवताएं भी पिसते हैं या नहीं पिसते हैं? पिस जाते हैं। संग का रंग किया है तो भोगना नहीं पड़ेगा। जब घुन पिसता है तो वो सोचता है मैं क्यों पिसता हूँ, जब घुस के बैठा था तब नहीं सोचा था, तब भी सोचना चाहिए ना मैं कहाँ घुस के बैठ रहा हूँ। माता पिता तो क्षमा के सागर हैं ना? माता पिता किसके हैं? मुरली में तो बोला है जो बच्चा बाप की बात ना माने वो बच्चा बच्चा नहीं, काहे का बच्चा? मैं मेरे बच्चों की सुरक्षा देता हूँ विनाश के टाइम पर। भगवान के जो बंदे हैं वो विनाश के टाइम पर सुखी रहेंगे, ये सारे सुखी रहेंगे, है सारे ही स्वर्ग में चले जाएंगे अंत मत सुगते हो करके जाएंगे, नहीं जाएंगे। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बच्चे हैं तो बच्चे हैं, नहीं तो अपना खून ही नहीं है, कोई और का खून लिया है संकल्पों का, बाप का ज्ञान छोड़ करके दूसरों का ज्ञान ले लिया है। बाप ने तो बोल दिया है बाप रहम नहीं करता तुम बच्चे, बाप तो रहम दिल है, 70 साल 78 साल हो गए वो भी बातें अभी भी समझा रहा है। बाप नहीं किसी को थप्पड़ मार रहा है, बाप तो अभी भी बच्चों के लिए प्यार का सागर है। वो धर्मराज नहीं है, वो बोलता है धर्मराज मेरे साथ है, याद रखना मैं तो प्यार का सागर हूँ। तो धारणाओं में कौन तीखा गया? तो कौन धर्मराज का पद पाने योग्य है? ब्रह्मा बाबा, वो मेरे साथ है, मैं नहीं धर्मराज हूँ। जब शिवरात्रि होगी सब अज्ञान के अंधकार में डूब जाएंगे, और डूबने के बाद जब सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो जिनके सामने प्रत्यक्ष होगा, जिनकी आंखों से दिखाई देगा, जिनके कानों से उसकी वाचा सुनाई देगी, उनके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। एडवांस के लिटरेचर में आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के बदले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ईश्वरी कट गया, ईश्वरी कट कर दिया क्योंकि आसुरी हो गया, है ना? ठीक है, नहीं बाबा अभी आसुरी हो गया बाबा, हैं बाबा की बात नहीं मान रहे तो आसुरी हो गए ना, ये आसुरी हो गया बाबा की बात नहीं मान रहे, किस बात की बात, क्या समझा तुमने?
ईश्वरीय शब्द हटा दिया माने आसुरी हो गया कि ईश्वरीय रहा है, ईश्वरीय कैसे रहा आसुर, ईश्वरीय शब्द हटा दिया, शब्द मात्र भी हटा दिया, ज्ञान जो है ईश्वर ही दे सकता है। हाँ, आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान उसको कहते हैं आध्यात्मिक, अधि आत्मिक, वो कौन दे सकता है? आत्मा के अंदर की बात कौन जानेगा? तो आध्यात्मिक विद्यालय कहो, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहो, आध्यात्मिक स्कूल कहो, वो कौन चलाएगा? ईश्वर ही चलाएगा कि दूसरे कोई चला सकते हैं? आत्मा के अंदर की बात कोई दूसरा जानता ही नहीं दुनिया में, तो ईश्वरीय शब्द लगाना फालतू हो जाता है। ये बच्चों की भाषा है, आध्यात्मिक के साथ ही ईश्वरीय शब्द लगा देना ताकि वो समझें कि ये कोई आसुरी स्कूल नहीं है, आसुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे अल्प बुद्धि होते हैं, बच्चा बुद्धि है, उनको समझाने के लिए ईश्वरीय शब्द लगाया था, लेकिन अब बच्चे होशियार हो गए हैं, अधिक अर्थ समझेंगे या नहीं समझेंगे? अधि माने अंदर, तो जब समझदार हो गए हैं तो ज़्यादा शब्दों का झमेला इकट्ठा करना ज़रूरी है, हैं? थोड़े शब्द होंगे और वो बोर्ड बनाएंगे तो बोर्ड पर वो अक्षर मोटे मोटे दिखाई देंगे या ज़्यादा अक्षर घुसे लगाएंगे तो मोटे मोटे दिखाई देंगे? थोड़े से थोड़े शब्द हों तो उनको मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है। आजकल तो डिजिटल बोर्ड तैयार हो रहे हैं, उनमें जितने ज़्यादा अक्षर डालेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, थोड़े शब्द डालेंगे तो खर्चा भी कम आएगा और मोटे मोटे शब्द दिखाई जा सकते हैं, तो कम खर्च बालानसी बनना है या ज़्यादा खर्चे वाला बनना है? बाबा किसी ने बोला है, बाबा ने कहा है अंत में ट्रिब्यूनल बैठेगी और राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये फैसला तीनों मूर्तियां करेंगी, उस आधार पर सजा निर्धारित की जाएगी, उसमें तीनों की सहमति होगी तो क्या एक ही जगह होगी? तो क्या एक ही जगह होगी? जो सूक्ष्म बुद्धि आत्माएं होती हैं वो जगह से बंधी हुई होती हैं या जगह को बांध लेती हैं? है, आज दुनिया छोटी हो गई है या लंबी चौड़ी हो गई है? लंबी चौड़ी हो गई है। पहले दिल्ली से बंगलौर तक जाने में घोड़े पर जाते थे, बग्गी गाड़ी पर जाते थे, कितने दिन लगते थे, और आज आज हवाई जहाज से एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाओ, जैसे एक कमरे से कदम उठाया दूसरे कमरे में कदम रख दिया। तो दुनिया छोटी हुई या बड़ी हुई? छोटी हो गई। हाँ, दिल्ली कब्रिस्तान बनेगा, बनेगी अंत में बनेगा या पहले बनेगा? बनती जा रही है, दिखावा बढ़ रहा है दिल्ली में या असलियत बढ़ रही है? एयरपोर्ट देखो जाके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, देखने से ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। जो स्वर्ग वहां दिखाई देता है वो किसी के घर में दिखाई देगा?
है टाटा बिरला को छोड़ करके दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। जब दिखावा बढ़ता है तो असलियत छुप जाती है। अभी बन रही है, बनती जा रही है, बनती है। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट से ऊपर जाने पर बाढ़ घोषित कर दी जाती है। पुल होता है ना, पुल में निशान बने हुए हैं, ये निशान से ऊपर पानी जाएगा तो खतरा। तब कहेंगे दिल्ली कब्रिस्तान हो रही है, अभी नहीं दिखाई पड़ती। बाबा ये सारा मलबा कहाँ जाएगा? सागर में ही मलबा जाता है और कहाँ जाता है? नदियाँ जो हैं सागर तो मलबे से भर जाएगा। हैं? सागर तो मलबे से ही भर जाएगा। सागर में कचरा भी है अति का, और सागर में रतन भी है अति के, सागर में जल भी है अति का, सागर मीठा भी है, सागर खारा भी है। तो सागर में तो सारी दुनिया समा जाती है, उस सागर से ही सारी दुनिया निकलती है। वो ज्ञान सागर है, बीज है, वो पापियों का भी, महापापियों का भी बाप है, और बड़े से बड़े पुण्य आत्माओं का भी बाप है। उसमें कचरा भी बहुत भरा हुआ है, जो कचरा अवगाहन करना चाहे वो कर सकता है, खूब करो। कचरे को अवाहन करने से उसकी जिंदगी कैसी बनेगी जन्म जन्मांतर की? हैं? कचरे वाली जिंदगी बन जाएगी। सागर में रतन भी बहुत भरे पड़े हैं, जो रतनों का अवगाहन करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? रतन मिलेंगे। अंतमति सुगते हो जाएगी। जिसने सारे पुरुषार्थी जीवन कचरा का ही अवगाहन किया है, सागर में कितनी ग्लानी है उसका ही अवगाहन किया है, तो अंतमते सुगते हो जाएगी। हद और बेहद दोनों में एक ही बात लागू होती है। हद का सागर में भी ऐसे ही है, कचरा भी अति का भरा पड़ा है और रतन भी अति के भरे पड़े हैं। रत्नागर कहा जाता है, रत्नों का आगार, रत्नों की खान है। और बाबा, है किसी ने कहा है कि बाबा ने कहा कि सीढ़ी का चित्र जिसे पसंद आएंगे वो भारतवासी, और बाबा यदि त्रिमूर्ति चित्र पसंद आए तो किस धर्म का, सृष्टि चक्र पसंद आए तो किस धर्म का है, लक्ष्मी नारायण का पसंद आए तो, और या कोई भी पसंद ना आए तो किस धर्म का, या सारे पसंद आए। दो ग्रुप बाबा ने बताए, भारतवासी है तो 84 का चक्कर लगाने वाला होगा या कम जन्म लेने वाला होगा। तो भारतवासी को क्या अच्छा लगेगा? 84 के चक्कर का सारा ज्ञान सीढ़ी में भरा हुआ है, झाड़ में तो नहीं है। झाड़ में अलग अलग धर्म है, उनके कम और ज्यादा जन्म है, चक्र है, बुद्ध चक्र है। टोटल चक्र किसके लिए है? पूरा चक्र सूर्यवंशियों के लिए है या और धर्म वालों के लिए है? सूर्यवंशियों के लिए। ओम शांति। एक और है, महादेव में दिखाया है, इसने पूछा है, महादेव में दिखाया है काशी का राजा त्रिपुंजय ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके महादेव को काशी से निकाल दिया है,
सभी असुरों ने ऐसा ही तो किया है, शंकर जी से वरदान लिए और वरदान लेकर के शंकर जी के ऊपर यहाँ भी हो गए, नहीं हुए? वो भी ऐसा ही किया, क्या बड़ी बात है। अरे शंकर से क्या पैदे हुए, शंकर से क्या पैदे हुए, अरे बिछुटिन्नर पैदा हुए। बाबा माउंट आबू में शंकर मठ दिखाया हुआ है, लेकिन बाप तो मठ पंथ की स्थापना नहीं करते, वो फिर शंकर मठ किसकी यादगार है? क्यों? तो शंकर है, वो शंकर के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना नहीं होती, लेकिन वो तो धर्म की स्थापना ही मठ पंथ तो नहीं हुआ है? मठ पंथ तो नहीं हुआ धर्म की स्थापना, वो सूर्यवंश एक मठ नहीं है? जैसे और धर्म है, मठ पंथ पंथ अपने अपने हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, वैसे सूर्यवंशियों की अपनी विचारधाराएं नहीं है। सूर्यवंश छोटे से छोटा होता है और सूर्यवंश बड़े से बड़ा होता है या नहीं होता है? छोटा है तो मठ, बड़ा है हैं तो धर्म, पंथ माने रास्ता। तो जब आठ का परिवार था तो वहां से मठ पंथ नहीं है, धीरे धीरे बड़ा होता है कि एकदम बड़ा हो जाता है? धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे आर्य समाज को बताया, आर्य समाज कोई धर्म थोड़े ही है, ये तो मठ पंथ है, छोटी छोटी डाल डालियों में से है। तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर हो जा रहे थे। हाँ जी। और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लगे। हाँ। वो टाइम कब होगा? वो टाइम तब होगा जब सारी दुनिया ज्ञान में आ जाएगी, तो लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं होंगे है? लाख नहीं, लाखों, इसका मतलब एक लाख या ज्यादा लाख? ज्यादा लाख, 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, तो वो दुनिया उन बीज रूपों में समाई हुई है या नहीं है? हैं? वो बाप जो है वो एक तरह से अपना घर हो गया बाप का, वो गीता पाठशाला हो गई, घर घर में गीता पाठशाला होगी, गली गली में गीता पाठशाला होगी, सिर्फ भारत में ही होगी या सारी दुनिया में होगी? सारी दुनिया में होगी। वो समय तब आएगा जब उतर के नीचे चले जाएंगे।